दोस्तों, आज मैं आपको माँ कात्यायनी देवी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो गाइस, उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार रामबासुर का पुत्र महिषासुर, जो कि बहुत शक्तिशाली व बलशाली था, उसने एक बार कठिन तप किया व ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांग सकते हो, ऐसा कहा। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव, किसी से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने वरदान मांगा, इसके अपितु किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ऐसा कहकर वह वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में जाकर प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। माँ भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मर गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के माइक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को सभी देवों ने एक एक हथियार अस्त्र शस्त्र प्रदान किया था, और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी माँ ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में विजयी हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ माँ कात्यायनी की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। तो कमेंट सेक्शन में जय माँ कात्यायनी लिखना ना भूलें और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।